टू माई चैनल मैजिक अ पिंच ऑफ स्पाइसेस। आज मैं आपके साथ अपनी एक बहुत ही टेस्टी और जल्दी बनने वाली रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसका नाम है सूजी का ढोकला, या फिर आप उसको सैंडविच ढोकला भी बोल सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स और फिर स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सूजी के ढोकले के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो है सूजी, जो कि मैंने लिए 1.5 कप, दही वो भी 1.5 कप, याद रखिएगा जितनी सूजी लेनी है उतना ही हम दही लेंगे, ऑयल 2 टेबल स्पून, ग्रीन चटनी, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, इनो 1 टेबल स्पून, मस्टर्ड सीड्स 1 टेबल स्पून, सीसेम सीड्स 1 टेबल स्पून और 2 से 3 ग्रीन चिली। तो सबसे पहले हम सूजी में दही ऐड करेंगे। अब इसमें सूजी में हम अच्छे से इस दही को मिक्स कर देंगे। सूजी में दही मिक्स करने के बाद अब हम इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही ढककर रख देंगे। तो चलिए इसको अब मैं क्लिंग रैप लगा के 10 मिनट के लिए रख देती हूँ। जब तक हमारा सूजी तैयार होती है तब तक हम ढोकला बनाने के लिए जो प्लेट या ट्रे लेनी है उसको ग्रीस कर लेते हैं, और हमें 2 प्लेट या 2 ट्रे चाहिए होंगी, तो हम 2 प्लेट्स को ग्रीस करेंगे अच्छे से। ऐसे ही दूसरी ट्रे को भी हम ग्रीस कर लेंगे। तो चलिए 10 मिनट हो गए हैं सूजी को रखे हुए और हमारी सूजी फूल चुकी है। अब मैं, अगर आपको लगता है कि ये बहुत सूखी है तो इसमें आप पानी ऐड कर सकते हैं, मैं भी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। तो पहले मैं डाल दूंगी इसमें इनो, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और उसमें आप इतना पानी डालिएगा कि हमारा बैटर इस फॉर्म में होना चाहिए, थोड़ा सा बहता होगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट। सॉल्ट को मिक्स करेंगे। तो चलिए अब इसको हम ट्रे में डाल लेते हैं। आधा बैटर हम एक ट्रे में डालेंगे और आधा दूसरी ट्रे में। आधा डाल लेते हैं हम इस दूसरी ट्रे में। हल्का सा हम टैप कर लेंगे जिससे कि कोई भी एयर बबल इसमें ना रहे। दूसरे वाले को भी। तो चलिए बस इसको मैं फिक्स कर देती हूँ। आप किसी भी स्टीमर में इसको बना सकते हैं, मेरे पास ये स्टीमर है तो मैं इसमें बना रही हूँ। अदरवाइज आप कुकर में बाउल वगैरह रख के भी और किसी भी प्लेट में इसको सेट करके और बना सकते हैं, बस हमें इसे स्टीम करना है। चलिए अब मैं रख देती हूँ इसको स्टीम होने स्टीमर में। आप इसे कुकर में कटोरी लगा के भी बना सकते हैं। अब इसको हमें 15 मिनट तक स्टीम करना है हाई फ्लेम पर। तो चलिए जब तक हमारा ढोकला रेडी होता है हम तैयार कर लेते हैं उसका तड़का। तड़के के लिए हम 2 टेबल स्पून घी डालेंगे एक पैन में। तो हमारा घी गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड, राई। राई होने के बाद हम इसमें डाल देंगे ग्रीन चिली और ये सीसेम सीड। तो ये देखिए, जब तक ढोकला रेडी होगा तब तक में हमारा तड़का भी रेडी हो गया है।
एक बार अच्छे से सब कुछ भुनने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। हमें तड़के को ज्यादा लाल नहीं करना है, बस सिर्फ हल्का सा एक बार राई और सीसम सीड भुन जाए उतना ही करना है। और अब कर देते हैं हम गैस को ऑफ। तड़का रेडी हो गया है हमारा। तो 15 मिनट हो चुके हैं इसे स्टीम होते हुए, देखते हैं हमारे ढोकले के क्या हाल है। ये देखिए ढोकला बनके रेडी हो चुका है। अब इस ढोकले को हम करीब रूम टेम्परेचर पे 10 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे और फिर इसको हम ट्रे में से निकालेंगे। तो इसे बाहर निकाल के मैं इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने दे। तो ये देखिए ठंडा हो चुका है और इसने किनारे सब छोड़ दिए हैं। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए अब मैं इसके ऊपर लगा दूंगी ग्रीन चटनी। अच्छे से ग्रीन चटनी की एक लेयर लगानी है इसके ऊपर हमें। ये देखिए अच्छे से एक लेयर लगा दी हमने ग्रीन चटनी की इस पे। और अब हम इसके ऊपर जो दूसरा ढोकला है उसको रख देंगे। ये देखिए दूसरा ढोकला इसके ऊपर रख देंगे और फिर अब हमने जो तड़का बनाया था वो तड़का मैं इसके ऊपर डालूंगी। चलिए डाल देते हैं इसके ऊपर तड़का। अच्छे से देखिए अच्छे से सब तरफ तड़के को फैला देंगे। अब डाल देते हैं इसके ऊपर खूब सारा हरा धनिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा यम्मी सैंडविच ढोकला बनके रेडी हो चुका है। मैं तो इसको अब खाने जा रही हूँ। आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड इफ यू लाइक माय रेसिपी देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैजिक अ पिंच ऑफ स्पाइसेस। आई विल अपलोड माय न्यू रेसिपी सून। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।